अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सर? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज से मेरी हाउस हेल्प लीव पर हैं फ्यू डेज़ के लिए, क्योंकि उनको आई इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए मैं अपने रूटीन थोड़ा सा मैं चेंज करके क्लीनिंग से अपना डे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि होता ये है कि अगर आप पहले दूसरा काम कर लें और क्लीनिंग छोड़ दें तो आपका घर बहुत देर तक पूरा मैसी रहता है। आई इन्फेक्शन कराची में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है और ये कंटेजियस भी है, और कुछ लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप मिलना जुलना थोड़ा अवॉइड करें। और आज मेरे चीट डे भी है और मैं पूरे वीक से डीप फ्राइड एंड अनहेल्दी फूड अवॉइड कर रही थी, तो आज मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ अच्छे से स्पेशल अपने लिए बनाऊँगी। वैसे तो क्लीनिंग इज़ थेरापीटिक और उसके साथ साथ मुझे घर के सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने घर के सारे काम इन्जॉय करती हूँ, मुझे पसंद है और मैं बोर नहीं होती हूँ घर के कामों से। लेकिन ये है कि आज मेरा मूड कुछ और ही था। मेरा मूड था कि आज मैं चीट डे के साथ साथ अपना वीकेंड भी सेलिब्रेट करूँगी और मैं पूरी छुट्टी मनाऊँगी, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन आज कुछ और ही मेरा रूटीन हो गया। बर्तनों की तरह मुझे कपड़ों का भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये इतने ढेर सारे कपड़े कहाँ से आ जाते हैं रोज़ के रोज़। पहले मैं काम जल्दी करने के चक्कर में कपड़े ऐसी वार्डरोब में रख देती थी तो मेरी वार्डरोब बिल्कुल मैसी रहती थी, लेकिन अब मैं हाथ के हाथ ही तय करके प्रॉपर रखती हूँ तो वो बिल्कुल सेट रहती है। मेरे हस्बैंड कल रिमेनिंग ग्रॉसरी करके आए थे और मैंने सुस्ती में इसको बस फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मैंने इसको साफ़ करके बॉक्सेस में करके इसको मैं फ्रीज कर दूंगी। तो इसमें ये आसानी रहती है क्योंकि मैं अगर 500 ग्राम के बॉक्सेस के हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं तो हमारे लिए इनफ होता है। और इसको आप उसी वक्त पर डिफ्रॉस्ट करें और आप बना लें, आपको धो के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने चीट डे के साथ अपने वीकेंड एज ए हॉलीडे में इंजॉय नहीं कर सकी हूँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मेरा दिन बोर नहीं गुजरा, क्योंकि आपके पास जब बहुत सारा काम होता है तो आप बिल्कुल बोर नहीं होते हैं। मुझे आसमान बहुत पसंद है, तो आपको मेरी हर वीडियो में आसमान का एक छोटा क्लिप ज़रूर मिलेगा। डिनर पे आज मैंने अपने लिए ब्रोस बनाया है, विल शेयर द रेसिपी समडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।